विधानसभा भवन 57वीं वर्ष एवं भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सभी सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान कार्यक्रम के तहत भारत की आजादी के पहले बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की धरती पर उनको नमन करने, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने आए हैं। हमारे बीच विधानसभा के जनप्रतिनिधि, पंचायत के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और उनके परिवार के, बिहार के श्री श्री बाबू के प्रपौत्र अनिल शंकर सिन्हा जी, शेखपुरा के माननीय विधायक अजय सम्राट जी, हमारे शेखपुरा के पूर्व प्रत्याशी रहे नरेश साहु जी, शेखपुरा जिला भाजपा के अध्यक्ष सुधीर जी, शेखपुरा जिला राजद अध्यक्ष संजय जी, बिहार विधानसभा के संयुक्त सचिव पवन पांडे जी, सभी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता बंधु, ग्रामीण बंधु, देवी एवं सज्जनों, जिस पवित्र भूमि पर हम खड़े हैं यह इतिहास और विरासत की भूमि है, यह वंदन और अभिनंदन की भूमि है, सत्याग्रह और स्वाध्याय की भूमि है। यह महाभारत काल में पांडवों के तप और त्याग से जुड़ी भूमि है। यह महात्मा बुद्ध की स्मृतियों से रंगी भूमि है, महान मगध सम्राट के उत्कर्ष की भूमि है और हमारे आधुनिक बिहार के जनक श्री बाबू की जन्मभूमि है। श्री बाबू के बारे में क्या कहा जाए, क्या क्या कहा जाए, कितना कहा जाए, खनमा ननिहाल में जन्म है लेकिन पूरा देश और दुनिया यहां को नमन करने से अपने को वंचित नहीं कर पाता। वे भारत की आजादी के जितने बड़े दीवाने थे उतने ही बड़े मसीहा किसानों के थे। जितना बड़ा योगदान उनका जमींदारी उन्मूलन में था उतनी ही बड़ी भूमिका उनकी बिहार की औद्योगिक विकास में भी रहा। आज बिहार में जो औद्योगिक विकास देख रहे हैं, बेगूसराय से रोहतास तक, झारखंड और बिहार साथ था, जो पठारी क्षेत्र था, उपजाऊ जमीन जहां नहीं था, औद्योगिक क्षेत्र की क्रांति आज उस झारखंड के क्षेत्र में अगर जो किन्हीं का योगदान है तो वो श्री बाबू का है। उनके प्रशासन काल में बिहार देश के पांचवें सुशासित राज्यों में एक रहा है। बिहार देश के गिने चुने राज्यों में रहा। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में समाज में कमजोर अछूत समझे जाने वाले दलित समुदाय के लोगों को पहली बार प्रवेश दिलाकर सामाजिक न्याय की बड़ी लकीर खींची थी, जो ऐतिहासिक था। शायद इसलिए उनके सहयोगी एवं सहकर्मी स्वर्गीय अनुग्रह बाबू ने कहा था कि 1931 से बिहार का इतिहास वास्तव में श्री बाबू के जीवन का इतिहास है। वो सारे 57वीं वर्ष 1931 से हम लोग बिहार विधानसभा भवन का शुरू किए हैं, उस 57वीं वर्ष का लंबी अवधि श्री बाबू के नाम से उनके चरणों में समर्पित है। शासन प्रशासन, कृषि व्यापार, शिक्षा संस्कार, न्याय और विकास, हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धि रही है, बल्कि यह कहें कि बड़े और ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। इसलिए जब हम अपने नैतिक
इसलिए जब हमने नैतिक सामाजिक संकल्प अभियान की परिकल्पना की तभी यह तय कर लिया था कि सर्वेश्वरी बाबू की जन्मभूमि पर जाकर उन्हें नमन करते हुए इसे एक यज्ञ की भांति आगे बढ़ाना न सिर्फ जरूरी है बल्कि अनिवार्य है। आज यह अभियान जो हम लोग शुरू किए हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से, जो हमारी विरासत और वहां से श्री बाबू के महान विचारों और सत्कर्मों को हृदय से याद करते हुए बिहार के श्री की इस पावन भूमि से हम यह सब संकल्प अभियान को आगे बढ़ाएंगे। शताब्दी वर्ष समारोह में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुभारंभ किया। सेंट्रल हॉल में विधानसभा विधान पार्षद के सभी माननीय सदस्य लगभग बैठे थे और हम लोगों ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत, जिसकी भविष्यवाणी कोई लीडर नहीं किए थे, यह भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। 21वीं सदी का भारत होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। आज 21वीं सदी में हम आप बैठे हैं। 21वीं सदी के 21वां वर्ष में हम लोग आज मौजूद हैं और 21वां वर्ष 50 वर्ष से ज्यादा दूरी तय करने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन 50 वर्ष की दूरी जिनको तय करनी है, उनके सुंदर भविष्य के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए और इस राष्ट्र को फिर से गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के उस सपना को, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमको आपको मिलकर के कदम बढ़ाना है। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? राजनीति करने वाले लोग, विधानसभा के लोकतंत्र के सबसे मरे बड़े मंदिर में विधायक की कांच की सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है, जो जनता के लाखों लोगों के विश्वास को जीत कर आता है, उसकी जिम्मेवारी है कि उसके नैतिक आचरण, नैतिक व्यवहार, नैतिक कार्य, संवैधानिक कार्य के साथ साथ स्वीकार्य हो। और ये जरूरी है, राजनीति में विधायिका पर जो लोगों के मन के अंदर भ्रम की स्थिति बन रही है, उनके संकुचित हृदय के कारण, उनके मन के अंदर की विकारों को दूर करने के लिए यह अभियान जरूरी है। एक माहौल खड़ा करना है। आज आप देख रहे हैं कि 21वीं सदी में कितना बड़ा बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अंधेला से इंजोला की ओर हम लोग चले 21वीं सदी में। आज 172 से ज्यादा कंट्री, ज्यादा देश हमारे पूर्वजों के, हमारे विरासत, हमारे महर्षियों के उस तप को, उस योग को स्वीकार कर लिया। आज योगा दिवस हम मनाता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। आज परिवर्तन देखिए कि जब बड़ा परिवर्तन होता है, एक झंझावत आता है और उस झंझावत का परिणाम कोरोना काल में हमने आपने महसूस किया, कैसी दहशत आई, कैसा भयावहता से हम लोग आप लोग गुजरे हैं। वह माहौल खत्म नहीं हुआ है। सतर्क सावधान अभी भी रहने की जरूरत है। न दौलत काम आया, न शोहरत काम आया, लेकिन जो प्रकृति से प्रेम किया, जो प्रकृति का सम्मान किया, जो संयमित सकारात्मक जिंदगी जिया, आज वही प्रेरक के रूप में काम किया। आज यही भारत देश अपने देश के लिए ही नहीं, विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के आगे बढ़ा, एक सकारात्मक माहौल का संदेश दिया। आज देश के अंदर बड़ा बड़ा परिवर्तन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
जो रचनात्मक सकारात्मक वातावरण बना रहे हैं, ये किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, वह राष्ट्र का है। और कोई भी प्रतिनिधि प्रतिनिधि बनने के पूर्व किसी परिवार का हो सकता है, प्रतिनिधि बनने के पूर्व किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन जब वो जन प्रतिनिधि के रूप में संकल्प लेता है संविधान के प्रति, तो वो संविधान का रक्षक है। संविधान के प्रति अपने संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपने नैतिक कर्तव्य के प्रति भी एक योद्धा के रूप में काम करने का उनका दायित्व बनता है। इस दायित्व से जो भागते हैं, जो मुकरते हैं, जनता इसे जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कहीं न कहीं मन में एक भ्रम की अस्थि बना लेती है। इस भ्रम को हटाना है, एक माहौल खड़ा करना है, एक सकारात्मक वातावरण बनाना है, क्योंकि वक्त चला गया है, वक्त नए दौर में आया है। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी क्षेत्र का, किसी भाषा का, वो मां भारती का संतान है। सबका उत्थान, सबका कल्याण हम सबों की जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को ईमानदारी के साथ निर्वहन करने के लिए हमको आपको मिलकर करके श्री बाबू की धरती से एक नए संकल्प के साथ कदम बढ़ाना है। आज भारत की आजादी के बाद 75वां वर्ष देश की आजादी का मना रहे हैं। जब हम 57वां वर्ष मनाएंगे आजादी का, 25 वर्ष हमारे हाथ में है, और इस 25 वर्ष को हम गमाएंगे नहीं। हम इस 25 वर्ष को, जो हमारे आने वाला 2/3 युवाओं की पीढ़ी बैठा है, जिसको 50 वर्ष से ज्यादा लंबी अवधि तक जीना है, उसकी जिम्मेवारी को जगाना है, उसे सजग कर देना है कि भारत का वह गौरवशाली इतिहास, 21वीं सदी का विश्व गुरु का भारत, उसके हम बच्चों के कौशल को, हुनर को आगे बढ़ाते हुए, और विश्व के जहां बड़ी आबादी बुढ़ापा की ओर जा रहा है और भारत की आबादी जवानी की ओर जा रहा है, वह जवानी अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से विश्व के अंदर एक सकारात्मक वातावरण के साथ साथ मानव जाति के कल्याण के लिए कदम बढ़ाएगा। उस कदम के लिए हमें आत्मसंयम, आत्म अनुशासन आवश्यक, एक सकारात्मक वातावरण बनाना आवश्यक है। और सभी हमारे हैं, हम सबके हैं, ये भाव पैदा करना है।